being eliminated here. Eliminate kiya. इस मैप के ऊपर भी दे हैव स्टार्टेड ऑफ रियली रियली स्ट्रॉन्ग. एक्सो की टीम अभी भी उनके पास कंट्रोल है, वो आराम से अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड तो नहीं छोड़ने वाले हैं. गॉड लाइक यहां पर अपना दबदबा दिखाने वाले हैं. गिल को नॉकआउट करेंगे, ट्रेड आएगा अल्ट्रॉन की तरफ से एंड दिस इज इट. दिस इज द फाइट हैपनिंग बिटवीन गॉड लाइक एंड टीम एक्सपार्क. एक्सपार्क की अगर आप बात करते हैं, वेल फिलहाल वो यहां पर जरूर अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाना चाहेंगे एंड अल्ट्रॉन का जो नॉक है वो फिलहाल के लिए रिवाइव दिया गया है. नियो यहां पर दिक्कत में फंस चुके हैं. नियो के सामने तीन खिलाड़ी मौजूद है. स्काउट के पास एक यूएम M4 जरूर रहेगा लेकिन स्काउट आगे जाने के लिए उनको एक नए खिलाड़ी को डाउन करना पड़ेगा फ्रॉम द साइड ऑफ गॉड. नंबर्स नहीं है अभी के लिए, अगर आप बात करें 3v3 का सिचुएशन अभी के लिए हम यहां पर बोल सकते हैं. नियो को बचाने के लिए देखिए एक और नॉकआउट निकालना बहुत जरूरी है यहां पर टीम एक्सपार्क का. साथ साथ मुझे एक और फ्रेम में यहां पर टीम मुझे नजर आ रही, क्या एक और थर्ड पार्टी, क्योंकि सेनहॉग गाइस एक जाना जाता है थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी के लिए ये मैप जाना जाता है. लेकिन मार्कोस गेमिंग खिलाड़ी जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन क्या घातक ने अल्ट्रॉन की लोकेशन देखी, एक बड़ा सवाल, क्योंकि अल्ट्रॉन इजीली उनको पर नॉक एंड फिनिश भी कर सकते इंस्टेंटली. वे चाहे तो फिनिश कर सकते हैं बट घातक को देखिए, घातक के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था. अल्ट्रॉन बिल्कुल स्नीक इन करते हैं एंड इमीडिएटली एलिमिनेट भी करेंगे, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं यहां पर. बट देखिए नियो जो कि धीरे-धीरे करके ब्लीड आउट हो रहे थे उनको भी कंफर्म किया गया है. ये फ्लैंक जो अल्ट्रॉन के द्वारा खिलाया जाता है, दिस फ्लैंक एक्चुअली प्लेस आउट फ्रॉम द साइड ऑफ टीम एक्सपार्क, लेकिन खतरा नहीं टला बिकॉज अभी भी एक्सपावर बने हुए हैं, जी गॉड बने हुए हैं एंड उनके पास एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन है कहां पर से एक्सपार्क आगे आ सकती है. इस सेक्टर में अगर आप बात करेंगे मैप की, यही दोनों टीम्स में नजर आ रहे हैं एंड दूसरे एरियाज की अगर आप बात करते हैं, वेल देयर आर अ लॉट मोर फाइट्स प्रोबेबली हैपनिंग. जैसे कि अगर आप बूट कैंप की बात करते हैं, वहां पर हमने पहले देखा गेमिंग लिटरली इज गेटिंग ऑब्लिटरेटेड एट द मोमेंट. एस्पावर को यहां पर स्पॉट किया गया है लेकिन एस्पावर ही नॉक्स आउट वन प्लेयर. क्लाउन को नॉकआउट किया जाएगा. रेवेनेंट यहां पर आंसर करेंगे एंड जी गॉड यहां पर फ्लैंक करते हैं अल्ट्रॉन के ऊपर. ये फ्लैंक भी उनके लिए काम आता हुआ. आखिरी खिलाड़ी बने हुए इट्स गोइंग टू बी स्काउट जो कि बहुत ज्यादा लो एचपी के साथ बचे हुए हैं. इट्स गोइंग टू बी रेवेनेंट हु माइट बी क्लीनिंग अप द टेबल्स फॉर द साइड ऑफ एनिग्मा एंड दूसरे साइड की बात करेंगे, वेल टीम एक्सपर्ट दे आर ऑलमोस्ट बीइंग एलिमिनेटेड हियर. एलिमिनेट किया जाएगा एंड पैन की कोशिश की गई थी स्काउट के ऊपर. वाज इट अ पैन फिनिश? आई रियली वांट टू सी इसका जी. हां, पर स्काउट के ऊपर एक्चुअली पैन फिनिश किया गया है गॉड लाइक के द्वारा. मेरे ख्याल से थोड़ा सा चल रहा है रिवेंज इन गेम में चल रहा है गाइस. लाइक बेशक ज्यादा फिनिशेस नहीं थे लेकिन मैटर जो करता है वो है दो लगातार शिकार.